हेलो दोस्तों, दिस इज एम इस्लाम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएम मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैस, इसीलिए आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मेडिकल स्टूडेंट, फार्मासिस्ट के फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत बेहद ही इम्पॉर्टेंट है आज का टॉपिक होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज ऑफ फार्मासिस्ट से जितने भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यानी आप अगर फार्मासिस्ट के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आपकी जो एग्जामिनेशन होती है उन्हीं एग्जामिनेशन में मेडिकल मैथमेटिक्स से जो भी क्वेश्चन राइज किए जाते हैं इन सारी क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ मेडिकल कॉलेज ऑफ फार्मासिस्ट स्टूडेंट के लिए है। मेन थ्योरी एग्जामिनेशन, जितने भी थ्योरिकल एग्जामिनेशन होती है इन एग्जामिनेशन में मेडिकल मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन आज 35 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो सो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन मार्च जो होता है 2022 में आपकी पास एग्ज़ाम होगी बी फार्मेसी में। ये CBSG है, ये कंजर्वेशन ब्रीडिंग स्पेशलिस्ट ग्रुप का है, जिसका हिंदी होता है संरक्षण प्रजनन विशेषज्ञ समूह होता है गाइस। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपका है वो 35 क्वेश्चन का है। और यहाँ पे जो नोट दिया हुआ गाइस, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी एंड ईच क्वेश्चन हैव इक्वल मार्क्स, यानी कहने का मतलब है कि हर क्वेश्चन के आंसर आपको देना जरूरी है और साथ साथ हर क्वेश्चन का मास इक्वल होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है बेस चेंज फॉर्मूला लॉग ऑफ A to B R, यानी इस जगह पे आपके पास कह रहा है कि आपके पास जो दिया हुआ है यहाँ पे लॉग का नंबर ये है और बेस बी है, और इसको बेस चेंज करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसा कि आपने लॉग का प्रॉपर्टीज पढ़ा है, इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा गैस, ये आपके पास बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वो क्वेश्चन है आपके पास इफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू लॉग ऑफ थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है गैस। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्स का वैल्यू लॉग का प्रॉपर्टीज लगाएंगे, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे लॉग एम प्लस लॉग एम एन इक्वल टू होता है log n और log कैंसिल होकर x का वैल्यू जब निकालेंगे गैस, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ये होगा सही, यानी आपका प्लस माइनस टू वैल्यू आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री देख रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ द लिमिट्स लिया हुआ, लिमिट्स एक्सटेंड्स टू टू, एक्स टू द पावर थ्री माइनस टू पर पावर क्यू वाई एक्स पर पावर फाइव माइनस टू पर पावर फाइव। जब इस जगह पे आप फॉर्मूला लगाएंगे लॉग एक्स पर पावर एम बाई एक्स, ये एक्स माइनस ये वाला, तो इस जगह पे फॉर्मूला निकल के आता है गैस। जैसे कि ये फार्मूला आपने देखा है कि एक्स टेंस टू ये है, और फिर यहाँ पे एक्स पर पावर एन ए पर पावर एन बाई एक्स माइनस ये, इस तरह से फॉर्मूला होता है गैस, एन इंटू ए पर पावर एन माइनस वन। इस फॉर्मूला में जब इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं फोर नंबर का क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर आपका है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, आप इस जगह पे एक्स टेंस टू जीरो आपका कह रहा है कि वन प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर एक्स है। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास एक्स प्लस वन बाई एक्स हो जाएगा। और जब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स प्लस वन बाई एक्स का जो वैल्यू होता है गैस, वो वैल्यू होता है आपका ई होता है, और यहाँ पर होल स्क्वायर है, नहीं होल पावर में एक्स है, इसीलिए ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर फाइव समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, जब इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालेंगे गैस, जैसा कि आप इजीली जानते हैं इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जब इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालेंगे तो इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जैसे क्या कहते हैं किसी रो और कॉलम के, किसी रो या कॉलम से एक्सपेंडिंग करेंगे जिसको इसको, तो एक्सपेंडिंग करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा गैस, वो रिजल्ट आपके पास होगा ऑप्शन नंबर जीरो आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इससे डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जीरो आंसर आएगा। जैसे आप जानते हैं कि इसको एक्सपेंडिंग करने के लिए इजीली तरीके से जानते हैं किसी रो या कॉलम से आप क्या करेंगे, इसको एक्सपेंडिंग करेंगे, तो इनका रिजल्ट निकल के जीरो आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स को समझने की कोशिश करेंगे।
सेम क्वेश्चन गाइज आपके पास फिर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी इस जगह पे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है इस जगह पे कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ आपके पास और इक्वल टू जीरो। जब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वही एक्सपेंडिंग करेगी किसी रो या कॉलम के सापेक्ष में, जब इसको क्या करेंगे एक्सपेंडिंग करेंगे तो इसका रिजल्ट निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी -22 होगा। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको एक रट लेते हैं और एक दो बार देख लेते हैं तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, आप देख लेंगे सेम टू सेम क्वेश्चन आपका इसी टाइप का आ जाएगा गाइस, इसीलिए आप इसको क्या नहीं करेंगे, मिस नहीं करेंगे, इसको देखेंगे, ज़रूर देखेंगे इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बाई यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व द इक्वेशन, आपके पास दिया हुआ जैसे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू, इक्वेशन थर्ड दिया हुआ और इनमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहता है गैस, तो आप इस जगह पे जब इसका एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा तो इस जगह पर आपका रिजल्ट निकल के आएगा क्रेमर्स रूल से, सो ऑप्शन नंबर सी रिजल्ट अगर निकल के आएगा एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन और जेड इक्वल टू वन आएगा गैस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, इफ़ ए इक्वल टू 5, 3, -1, 1 दिया हुआ है, बी इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 2, -1 और 3, 2 ये एलिमेंट दिया हुआ है, दोनों देख रहे हैं 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और फाइंड द रिजल्ट जो निकालने के लिए कहता है गाइस, यहाँ कह रहा है कि 3a-2 भी रिजल्ट निकालने के लिए कह रहा है। अब क्या कर आर द वैल्यू आर ये निकालने के लिए, जब इसका वैल्यू निकालेंगे जैसे इसको क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे हर एक एलिमेंट को और इसको 2 से गुना कर देंगे और दोनों को एक दूसरे से क्या करेंगे घटाएंगे तो इसका रिजल्ट आपके पास निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कह रहा है देखिए यहाँ पे बाई यूजिंग द क्रैमर्स रूल, यानी इस जगह पर आपको क्रैमर्स रूल ही फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है गैस, जब इसको क्या करेंगे क्रैमर्स रूल फाइंड आउट करेंगे तो इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 9 नंबर का रिजल्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड तक दिया हुआ है, तो इस तरह से 9 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप ये 100% आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 समझने की कोशिश करेंगे। चले गए क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इफ आपके पास दिया हुआ है 1, 1, x दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आपके पास थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपने सीख ही चुके हैं तो आप इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीख चुके तो इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट जब निकालेंगे गैस तो इसका रिजल्ट आपके पास 10 नंबर का रिजल्ट आ जाएगा -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -3, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका एक्स का रिजल्ट आपके पास निकल के आएगा -3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस सारे क्वेश्चन को अगर समझ लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस बार का आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर या आप इन सारे चैप्टर के डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल SM मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिनसे कि आपको इन चैनल के माध्यम से आप सारे चैप्टर की क्लियरेंस आपको बताई जाएगी। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि द एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालने के लिए कहता है गाइस, और जब इसका एरिया निकालेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा यानी 3 आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ 3, ये 3 रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है कि द ऑर्डर ऑफ द पॉइंट्स K1 और फिर 5, 5 दिया हुआ, 10, 7 दिया हुआ है, मे बी कॉलिनियर्स, क्या दिया हुआ है गैस कॉलिनियर्स देन द वैल्यू ऑफ के, यानी जब इसको क्या करेंगे डिटर्मिनेंट्स में लिखेंगे इक्वल टू 0, क्योंकि कॉलिनियर्स का रूल होता है कि जब भी डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो इक्वल टू क्या होता है गैस 0 हो जाता है, तो आप क्या करेंगे इसका 0 से निकालेंगे कॉलिनियर्स तो इस जगह पे के का रिजल्ट आपका निकल के आ जाएगा 12 नंबर का, और वो के का रिजल्ट निकल के आएगा -5, तो इस तरह से आपके पास क्या होता है -5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे गाइस 13 नंबर का क्वेश्चन आपका है। 13 नंबर कहता है कि द सॉल्यूशन ऑफ द एक्स इंटू डी ओपन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स आर। अब इस जगह पे आपका बस ये हो गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन गाइस। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं तो क्या रूल अपनाया जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब 13 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और इस तरह से ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाता है। आप अगर इसका डीप एंड डिटेल्स जानना है तो इस चैनल के माध्यम से सारी चीज़ को आपको बताया जाएगा, पहले ये क्वेश्चन को आप देख लेंगे और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द लॉग ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स यानी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, जैसा आप इजीली जानते हैं कि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का आता है कि द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये एक इंटीग्रेशन आपके पास दिया हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है, जबकि इसका इंटीग्रेशन होता है ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ ये होता है क्या होता है गाइस, लॉग ऑफ ये होता है प्लस सी, ये आपके पास होता है। अब यही ऑप्शन को हम लोग देखेंगे इस पेज में। जैसे कि आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन जो था ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ये है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ये सही हो जाता है। गाइस क्वेश्चन नंबर 16 समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन 5, 6 और -3, 8 है, जब इसका डिस्टेंस निकालेंगे गाइस, तो इसका डिस्टेंस आपका निकल के आएगा √68। जैसा आप डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं उसी तरह से अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डी ऑफ एन डी एक्स, ये एक्स टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहा है गाइस। जब इस एक्स टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कह रहा है डी ऑफ एन डी एक्स ई टू द पावर 2x कह रहा है गाइस। तो जब इसका इंटीग्रेशन डीसी करेंगे, जैसे डीसी कह रहा है तो ई पावर 2x यानी ई पावर एक्स का डीसी, तो डायरेक्टली आपने याद किया ई पावर एक्स ही होता है, और यहाँ पे आपके पास क्या है कॉन्स्टेंट 2 है, तो कॉन्स्टेंट 2 गुना हो जाएगा, तो आपके 2 इंटू ई टू द पावर 2x हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 को समझने की कोशिश करेंगे। जब क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दिया हुआ आपके पास डेरिवेटिव करना है 2x स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर -3 प्लस 5 इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये आपके बटे में डी एक्स है। तो इस तरह का डेरिवेटिव जब करेंगे, तो इस तरह का डेरिवेटिव करने के लिए जब सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ये आएगा गाइस, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20 को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जैसे देख रहे हैं द सॉल्यूशन ऑफ द 3 इंटू लॉग ऑफ 4 ऑफ 10 है, यहाँ पे बेस और फिर यहाँ पे 2 है, जब इनका सॉल्यूशन करेंगे लॉग वाली फार्मूला लगा के। अगर आपको नहीं आता है तो ज़रूर वीडियो को देख देंगे, लॉगरिथम का आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, लॉगरिथम का वीडियो आपको मिलेगा, ज़रूर उसे देख लेंगे। तो इस तरह का जब सॉल्यूशन करेंगे गैस, तो आपका इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 समझने की कोशिश करते हैं। चले गए क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका कहता है इफ लॉग ऑफ यहाँ पे √2x है, यानी एक्स √2 है, इसका बेस आपका क्या दिया हुआ है कि √2 दिया हुआ है, इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब इसका वैल्यू निकालेंगे गाइस, तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा 8 आएगा, और इजीली इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा गाइस, 8 हो जाएगा। तो आपका इस ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 लॉग का जब प्रॉपर्टीज लगाएंगे यानी लॉग का डेफिनेशन लगाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास इफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 2x 25 दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे दिया हुआ 0.2 दिया, देन द वैल्यू ऑफ आर, यानी इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है गाइस। जब इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो इसका रिजल्ट आपके पास इजीली आएगा -½ आ जाएगा, यानी आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये चले गए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि रेशनल फंक्शन आपके पास दिया हुआ है इस तरह का 3x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और इंटू पार्शियल फ्रैक्शन द देन द वैल्यू ऑफ ये बी, यानी पार्शियल फ्रैक्शन जब इंटीग्रेशन का करेंगे, तो इसमें ये और बी का वैल्यू फाइंड आउट होगा। अब इस ए एंड बी का वैल्यू क्या होने वाला जब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके निकालेंगे गाइस, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपके पास आ जाएगा 23 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू, ए का वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगा, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 में, कह रहा है इफ वाई इक्वल टू दिया हुआ है लॉग ऑफ फिर लॉग ऑफ एक्स क्यू दिया हुआ है, यानी आपके पास ये सब ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ पे भी ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ पे भी ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्यूशन करेंगे गाइस, तो आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये नंबर ऑप्शन आएगा, यानी डेरिवेटिव जब भी करते जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत ही ईजी है गाइस। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि डिस्टेंस लॉग ऑफ 10
डिफ्रेंशिएट करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए लॉग ऑफ 10x बाई 2 कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में क्या करना है आपको डिफ्रेंशिएट करना है। जब इनका डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में गाइस तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा 1/sin x आएगा, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा। इस तरह से 25 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग 26 नंबर का क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर में कहता है इफ़ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है, और फिर कह रहा है कोफैक्टर निकालने के लिए कह रहा है। जैसे इजीली आप जानते हैं गाइस कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है मैट्रिक्स का, कोफैक्टर निकालने के लिए कहता है। तो इससे जब से 2, 1, 2, 3, 4 का जो एलिमेंट है इसका जब कोफैक्टर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा C11, यानी कोफैक्टर को डिनोटेड करते हैं C से, C11 का रिजल्ट 4 आएगा, C12 का रिजल्ट -3 आएगा। इस तरह से आपके पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 27 नंबर का, द एग्जांपल ऑफ द अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। आपको कह रहा है कि अपर ट्रेंगुलर, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट्स होता है, वो दो प्रकार के होते हैं, एक लॉर्ड ट्रेंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का इनमें से आपको देखना है कि कौन सा अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन होता है गाइस कि जब आपके नीचे यानी ट्रेंगुलर जो होता है इस तरह की लाइन, जो प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, और ट्रेंगुलर जो ये होता है इसके नीचे जो भी जीरो है ऊपर में कोई संख्या तो उसको क्या कहते हैं, अपर ट्रेंगुलर कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही इजी है गाइस क्वेश्चन नंबर 28। देखिए कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द लिमिट्स एक्स टेंस टू जीरो 10x/x इज, यानी कह रहा है कि ये डायरेक्ट फार्मूला होता है गाइस, इसका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है, अप्रोक्स वैल्यू होता है ये, यानी लगभग मान होता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 21 समझने की कोशिश। अगर आपने लिमिट नहीं जानते हैं तो लिमिट वाला वीडियो जरूर देख लेंगे एस एम मैथ क्लासेस में। 29 का क्वेश्चन का देख लेते हैं, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्स टेंस टू 2x²-4x+3। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 वैल्यू डाल देंगे। जब इसका 2 वैल्यू डालेंगे इस जगह जहाँ जहाँ एक्स है उस जगह पर जब 2 वैल्यू डालेंगे तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। चलिए गाइस अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को समझने की कोशिश करते हैं, जाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे ये कम्पिटेटिव लेवल में भी पूछे जाते हैं गाइज। देखिए द वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्स टेंस टू 0a·x/x − b·x है। ये जब क्वेश्चन को जब सॉल्यूशन करेंगे तो इजीली आपके बी नंबर का ऑप्शन सही होगा गाइज। जब सॉरी आप इस चीज़ को जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए का सही होगा। कि क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 4-5 cos x / sin²x (dx). जब इनका सॉल्यूशन करेंगे गाइस तो इसका सॉल्यूशन आपके पास निकल के आएगा, 31 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इनका इंटीग्रेशन तो आप इजीली जानते ही है। अब हम लोग देखते हैं 32 का क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि द मैट्रिक्स ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है, देन द माइनर निकालने के लिए कह रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपने देखा जो कि कोफैक्टर कहा था, और कोफैक्टर के जगह पर आपने निकाला, उसी तरह से इस जगह पर क्या कह रहा है, माइनर कह रहा है। माइनर निकालना बहुत ही आसान होता है गाइस। जैसा कि आप माइनर निकालना अगर सीखेंगे तो यहाँ पे तुरंत सीख सकते हैं, जिस रो और कॉलम का एलिमेंट्स को लोगे उसको क्लोज कर दोगे। जैसे इसको फर्स्ट यानी 2 का एलिमेंट्स को लोगे तो 2 को क्लोज कर दीजिए तो उसका माइनर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी उसको रो और कॉलम को इस तरह से क्लोज कर देंगे तो जो एलिमेंट्स बच रहा है वही होगा। तो यहाँ पे देखिए गाइस 2 एलिमेंट्स बच रहा है तो 2 हो जाएगा इसका। तो इस तरह से ऑप्शन जब आप निकालोगे तो इसका ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा, सही हो जाएगा, ये नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से 32 का क्वेश्चन नंबर क्या होता है, ये ऑप्शन सही होता है। अब हम लोग देखेंगे 33 क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। 33 में आपका इंटीग्रेशन ऑफ x²e·x·dx दिया हुआ है। जब इनका इंटीग्रेशन करोगे गाइस तो इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है। आपको जैसे कि फॉर्मूला जानते हैं, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डीसी ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस तरह का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो इसका ऑप्शन निकल के आपका नंबर आ जाता है, यानी सी नंबर का ऑप्शन सही होता है गाइस। क्या होता है, सी नंबर का ऑप्शन। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 34 क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस 34 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन इस जगह पे फिर दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहा है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन इसका निकल के आएगा 34 का, इसमें भी वही फर्स्ट इंटू
मिटिगेशन ऑफ सेकेंड वाला कंडीशन लगाएंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ये सही होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब चलो देखें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 35 का, देखिए द सॉल्यूशन ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 3x प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 दिया हुआ है, जब इनका सॉल्यूशन करेंगे लिमिट का वैल्यू निकालेंगे गैस तो आपके पास ये वन आंसर आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह से आपका 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जैसा कि आपने देखा था कि 35 क्वेश्चन पूछा जाता है, अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गैस, इसीलिए आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह का वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपको इस टाइप का जितने भी सारे क्वेश्चन होगा सारे सॉल्यूशन दिया जाएगा। और ये था हमारा टॉपिक मैथमेटिकल, आपका मेडिकल कॉलेज ऑफ फार्मेसी से का था, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।